सुनील डिंपल ने ट्रेड्स रैली का आंदोलन शुरू किया और कहा कि जम्मू शहर में अम्फला मांडा से जानीपुर से अखनूर तक रिंग रोड सड़क बनाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जोड़ा अम्फला जानीपुर रोड पर जोड़ा नहीं होने देंगे। नहीं सर, बताइए आपका प्रोटेस्ट के कारण। देखिए, आज अम्फला जानीपुर न्यू प्लॉट हाईकोर्ट रोड के ऊपर व्यापारियों ने आज से अनिश्चितकालीन जन आंदोलन शुरू कर दिया है। MAMPG कॉलेज के बाहर छात्रों ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तुम ना दोगे एडमिशन, छीन के लेंगे एडमिशन, वही बात जस्टिस, वही बात जस्टिस, रहना है। AVP जम्मू महानगर मंत्री, जिस प्रकार से आप देख सकते हो, लगातार पिछले 20 दिन से स्टूडेंट घर संघर्ष करके अपनी जिंदगी पे खेल के यहाँ पे मजबूर होके आ रहे हैं। दूर दूर दराजों से आए हुए हर जगह से विद्यार्थी आके यहाँ मजबूर होके यहाँ खड़ा है। उसका मुख्य कारण क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, जो रोज यहाँ पे रोड पे इसके डिप्रेशन में आके विद्यार्थियों ने लगभग रिसेंटली अभी दो तीन दिन पहले एक विद्यार्थी ने सेकंड फ्लोर से जंप मार के अपनी बैकबोन फ्रैक्चर किया। उसका मुख्य कारण क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। मैं मीडिया के माध्यम से मुख्य अपील ये करना चाहूँगा, जल्द से जल्द क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, जो क्रेडिट्स की रिड्यूस नहीं किया गया, तो विद्यार्थी गौर आकर्षण रूप में आएंगे तो उसका विरोध उसके रूप में आएंगे, तो उसका मुख्य कारण क्लस्टर यूनिवर्सिटी होगा। 10 जुलाई को झेलम नदी में एक 14 साल का लड़का डूब गया था, जबकि उसके शरीर का कुछ पता नहीं चला। और आज सुबह सेना ने अपनी तरफ से खोज को शुरू कर दी है। नदी में बारी दारा होने के बावजूद सेना एक एक इंच नदी का खोज रहे हैं। प्रयासों को देखते हुए पिता फारूक अहमद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा जल्द ही मिल जाएगा। दल लेबर एसोसिएशन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 6 महीने से ठेकेदार द्वारा उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, और वह अपील करते हुए कहा कि वेतन सीधे हमारे बैंक खातों में जमा होनी चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, वही वोट जस्टिस, वही वोट जस्टिस, पर बस चाहिए होत मजबूरी, बाकी हमारा वापस करो, हक हमारा वापस करो, हक हमारा वापस करो, हक हमारा वापस करो, हक हमारा वापस करो। पुंछ में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र रोजगार के लिए काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मैम बताएंगे कि जो हाल ही दिनों में कोई एक आर्डर निकला था कि डिप्टी एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसिल सेंटर में जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, एम बी उनकी रजिस्ट्री, इसके हवाले से बताएंगे कि आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। मैं SSC वाला डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट बोल रही हूँ। तो हमारे से ऊपर से इंस्ट्रक्शन है डायरेक्टर ऑफिस से कि हमें 12 तक रजिस्ट्रेशन करनी है, ये अनएम्प्लॉयड पोस्ट ग्रेजुएट यूथ, इसमें लेडीज भी। और मेरा साहिब क्षेत्र में पिछले लंबे समय से बंद पड़ी फैक्ट्री को जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता खुशवंत सिंह ने की है। 10 केनाल भूमि में फैली इस फैक्ट्री का दौरा करने के बाद खुशवंत सिंह ने कहा कि अगर सरकार द्वारा जल्द इस फैक्ट्री को शुरू किया जाता है तो काफ़ी संख्या में क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने राज्यपाल से अपील करते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द फैक्ट्री को शुरू करवाने के लिए काम करें। इस अवसर पर उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। तिथ ब्रोजा फैक्ट्री जो तकरीबन 30-35 साल पहले की बंद पड़ी हुई है, जिसमें आरसपुरा के कम से कम 100-250 मुलाजम, जो आज तक उनको कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं मिल रहा। मैं माननीय गवर्नर साहब से और केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ, ये जो 120 कनाल भूमि के अंदर स्थित ये ब्रोजा फैक्ट्री पिछले काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी है, हमारी यूथ कांग्रेस टीम और आरसपुरा की जनता की तरफ से ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस ब्रोजा फैक्ट्री को रीओपन किया जाए।